देश में बढ़ते फासीवाद और कमजोर पड़ते लोकतंत्र को लेकर हर कोई फिक्रमंद है। उन्हीं में से एक आवाज़ है सत्यदेव चौधरी जी की, जिनकी अपनी एक पार्टी भी है सत्य बहुमत पार्टी के नाम से। आपने 2019 का इलेक्शन भी दिल्ली के चांदनी चौक से लड़ा और ये मैसेज देने की कोशिश की कि सरकार जो है लोकतंत्र में सरकार गठजोड़ की या उस गठबंधन की नहीं हो बल्कि बहुमत की होना चाहिए, उसी को लेकर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आज हम उनसे आइए बात करते हैं, अब जो 2024 का इलेक्शन जो आ रहा है उसमें उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे। हमने सत्य बहुमत पार्टी बनाई है और सत्य बहुमत पार्टी का मुख्य उद्देश्य है बहुमत की परिभाषा को समझना कि हम सरकार कैसे बहुमत से बनाते हैं। वो बहुमत की परिभाषा आज तक कोई संविधान में, कोई कानून में, कोई एक्ट में नहीं है। आज जो संविधान के अंदर जब परिभाषा ही नहीं है तो आप सांसदों के बहुमत से सरकार क्यों बनाते हो? उसके बदले में हम कहते हैं कि जैसे सांसद मतदाताओं के बहुमत से जीता, उसी प्रकार जिस पार्टी को पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में वोट मिल जाए, चाहे उसके उम्मीदवार हारे या जीते, कितने भी वोटों से जीते कितने भी वोटों से हारे, अगर कुल वोट उस पार्टी के ज़्यादा हैं तो आप उसको बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार दे दीजिए। ये हमारी राजनीति है। आपका यहाँ एक स्लोगन हमने देखा था, आपने लिखा हुआ था उस पर कि अगर आप चांदनी चौक इलाके में जीते तो राजनीतिक व्यवस्था बदल सकती है, वो पूरे देश में किस तरह से बदलेगी? आप अकेले यहाँ से खड़े हो रहे हैं तो पूरे देश में आपके कैंडिडेट, देखिए एक क्षेत्र से अगर आपकी चर्चा बन गई, आप जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर चर्चा भी बना देते हो तो वो एक खबर बन जाएगी। और जब सारे देश के अंदर बहुमत की खबर बन जाएगी तो सब लोग जागरूक हो जाएंगे, और जीत गए तो ये मेरी गारंटी है कि इस आने वाले 2024 के अंदर सरकार सत्य बहुमत की ही बनेगी। बाकी के सब लोग आपका समर्थन देंगे, नहीं होंगे तो फिर वो तो, क्योंकि और जो सरकार अभी जो है, सरकार में जो पार्टी है मौजूद, तो क्या लगता है आपको 2024 नहीं दो देखिए क्या इसमें आप व्यवस्था में परिवर्तन कर पाएंगे? हम तो देखिए, हम आज से नहीं 15 साल से इस सांसदों के बहुमत का विरोध करते आ रहे हैं। सांसदों के बहुमत को मैं गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति मानता हूँ, जिसके अंदर भ्रष्ट समझौते होते हैं, अपराधियों को टिकट दी जाती है, धन बलि और बाहुबली के आधार के ऊपर सरकारें बनती हैं। तो ये तो सांसदों के बहुमत को हम बहुमत मानते ही नहीं, सांसदों के बहुमत को हम गठबंधन का बहुमत मानते हैं, भ्रष्ट बहुमत मानते हैं। तो आपने जब बहुमत की कोई परिभाषा बनाई नहीं रखी तो आप सांसदों के बहुमत के बदले में आप उसको मतदाताओं के बहुमत को बहुमत क्यों नहीं मानते, इसमें क्या आपत्ति है? सच्चा लोकतंत्र तो और सच्चा बहुमत तो मतदाताओं का बहुमत ही होता है ना। तो ये थे हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी, जो कि बता रहे थे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में जो इनके मुद्दे हैं, आवाम इसको किस तरह लेते हैं, लोग ख़ास तौर से चांदनी चौक के लोग इन मुद्दों को कहां तक लेकर आगे बढ़ते हैं और किस तरह से इसमें साथ देते हैं। जो कि इनका कहना है कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो बहुमत की सरकार होना चाहिए। दिल्ली के चांदनी चौक से NGTV के लिए अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people.